बोला दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर गरीब ही खाने आते हैं, तो इस वजह से हम सस्ता बेचते हैं। ये बादाम 1 किलो 600। मछली, अंडा, चिकन, ठीक है। हाँ, अब तो 3 टाइम चिकन। हाँ, ये दोस्तों ब्रिज का पिलर है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग इस ब्रिज पे भी दोस्तों कपड़ा वगैरह सुखा रहे हैं। ये देख सकते हैं गेहूँ वगैरह है वो भी इसी पे सुखा रहे हैं। ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम हैं माहिम रेलवे स्टेशन पे, और दोस्तों मैं माहिम रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे खड़ा हूँ, और दोस्तों आज हम फिर से चलने वाले हैं धरावी के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार हम धरावी में जाने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे कि वहाँ पे कितनी गरीबी है, लोग कैसे रहते, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है हमारे पिछले वीडियोस में। आज दोस्तों हम वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ के मार्केट को देखेंगे, और वहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे होते हुए, क्योंकि माहिम से जो है, माहिम से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है धरावी का वो एरिया। तो हम माहिम से होते हुए दोस्तों आज हम चलेंगे, पूरा धरावी को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें दुकानों पे जाएंगे। पूरा दिन दोस्तों आज हम यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स वगैरह खा के ट्राई करेंगे, और आपको भी रेट बताएंगे, और देखेंगे कितना सस्ता है कितना महंगा है। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर धरावी का नाम आए और उसके साथ कचर पट्टी न जुड़े तो फिर धरावी किस काम का, ये देख सकते हैं। यह है दोस्तों धरावी का वो इलाका जहाँ पे दोस्तों हम आपको लेके चलने वाले हैं फूड टूर के लिए, और यहाँ पे दोस्तों हम चाय से लेके, नाश्ता से लेके, बिरयानी से लेके सारी चीज़ें दोस्तों कोशिश करेंगे आज ट्राई करें, हो सकता है, और सारी चीज़ों का दोस्तों रेट बताएंगे, हो सकता है अगर फुटपाथ पे कपड़े वगैरह भी दिखेंगे तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों हम आपको बताते हुए इस धरावी का आज पूरा टूर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं धरावी के अंदर आ चुका हूँ, जैसा कि अभी यहाँ पे माहौल आप देख सकते होंगे चारों तरफ। एक चीज़ और दोस्तों, हम किसी फेमस दुकान पे आज नहीं जाने वाले हैं, हम नॉर्मल ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हों, क्योंकि मुझे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना है कितना सस्ता है कितना महंगा है। 1 किलो का 600 का। और ये बादाम 1 किलो 600। और ये पिस्ता 450 का आधा किलो। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काजू बादाम भी इस तरह से मिलते हैं, 600 रुपये किलो काजू है, और 600 रुपये के जी ही दोस्तों बादाम है, और 450 रुपये को आधा किलो दोस्तों पिस्ता है, विदाउट उसके जो ऊपर का कवर होता है दोस्तों उसको हटा के। ये दोस्तों हो गया यहाँ का ड्राई फ्रूट का दाम, अभी एक लेडी बेच रही थी। तो मेरे हिसाब से सस्ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो माल आते हैं ना, छठे हुए माल होते हैं, वो यहीं पे आते हैं, तो अक्सर इस वजह से यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर जो गरीबी रहते हैं। और अभी हम चलते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, यहाँ का मार्केट भी देखते हैं। वैसे मार्केट आपको दिखाई रहता है ऑलरेडी, और होटल वगैरह भी दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग छोटी छोटी सी नाले के किनारे इस तरह से दोस्तों अपना, जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बगल में नाला है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए एक आदमी बैठा हुआ है, और वो अपना सारा अस्तूरा वगैरह, मतलब बोले तो दोस्तों जो बाल बनाने का इक्विपमेंट होता है वो लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहीं पे लोगों का वो बाल काट रहा है, और लोग यहाँ पे बैठ के दोस्तों इसी नाले के ऊपर, जो इसकी दीवार है इसी के ऊपर दोस्तों बैठ के लोग बाल कटवा रहे हैं। तो अमूमन दोस्तों होता क्या है कि ये सस्ते में काट देता है, आप किसी दुकान पर जाओगे तो अमूमन बाल काटने का भी रेट दोस्तों 100 रुपये 50 100 रुपये के ऊपर ही रहता है अमूमन। तो दोस्तों बाल काटने का भी रेट, अगर बाल दाढ़ी आप दोनों बनवाते हैं तो 100 रुपये 50 रुपये के आसपास पड़ जाता है, तो इस वजह से लोग ऐसी जगह भी दोस्तों बैठ के बाल वगैरह कटवा लेते हैं। और अमूमन दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा कि पता है ये पूरा गरीब एरिया है, तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर गरीबी रहते हैं, और बाकी धंधा बिजनेस वाले उनकी बात ही खैर मत करो दोस्तों। जिस एरिया में घूम रहा था ये आपको मैं बता दूँ, ये माहिम का एरिया था, और ये अभी हम दोस्तों चलने वाले हैं 90 फीट रोड तक, वहाँ तक का आपको सारा मार्केट दिखाते हुए, और जो भी चीज़ें दिखती है दोस्तों वो दिखाते हुए फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम मार्केट घूमते घूमते अभी धरावी के उस एरिया में आ गए थे जहाँ पे दोस्तों पूरा रिसाइकलिंग का बिजनेस होता है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक के कचरे पड़े हुए हैं, और ये सारी चीज़ें रिसाइकिल होकर दोस्तों फिर से नया मटेरियल बनने के बाद दोस्तों कुछ नया प्रोडक्ट इसका बाद में प्लास्टिक का तैयार होता है। और यहाँ का दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मुख्य व्यवसाय के रूप में भी है,
आऊँगा दोस्तों मुंबई ही नहीं पूरे इंडिया से दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक का कचरा आता है और यहाँ पे दोस्तों रिसाइकिल होके वो चला जाता है दोस्तों फिर से फैक्ट्रियों में, जहाँ पे फाइनली दोस्तों कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन के वो वापस से हमारे पास आता है। तो ये प्रोसेस ये इस एरिया में दोस्तों होता है, जो कि ये जो एरिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप कुछ देख सकते हैं धरावी की दुकानें हैं, इस तरह से साइड साइड में कपड़े वगैरह की दुकानें जगी हुई हैं। ये दोस्तों ब्रिज का पिलर है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं टी शर्ट वगैरह जगह है, बनियान वगैरह जगी है दोस्तों। इसी तरह से पूरा ये मार्केट आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सकता है दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों रोड पर मोबाइल के एसेसरीज वगैरह भी मिल जाते हैं, आप मतलब कुछ भी लेना चाहें। और इस तरह से छोटे छोटे दोस्तों आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और एक अंकल जी उसमें लगे पड़े हैं कुछ अपना ऐसा सामान निकाल सकें जैसे कि प्लास्टिक का कुछ वेस्ट हो गया या कपड़े के दोस्तों कुछ कतरन वगैरह हो सके वो निकाल के दोस्तों वो कहीं पे सेल कर सकें, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकलिंग का ही काम होता है। तो 2-4 रुपये किलो के हिसाब से दोस्तों प्लास्टिक वगैरह बिक जाता है, तो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने जो आपको भी पीछे दिखाया एक कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से जो कुछ अपने ज़रूरियात के सामान भी निकालते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ की सीन्स हैं। तो अभी घूमते घूमते दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी आ चुके हैं सब्ज़ी मंडी की तरफ, ये धरावी की दोस्तों सब्ज़ी मंडी है, देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से दोस्तों आपको सब्ज़ी वगैरह मिलेंगी। ये दोस्तों चिकन एंड मटन शॉप्स वगैरह है, देखा कि दोस्त देख सकते हैं दोस्तों अभी 150 रुपये के जी चिकन चल रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों सही है। भैया टमाटर कैसे है? 20 रुपये किलो या 15 रुपये किलो? तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों वो टमाटर 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। अमूमन दोस्तों रेट वगैरह मुंबई का यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, उसकी दोस्तों जो वजह ये है कि अमूमन यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं दोस्तों वो छट के आती हैं, मतलब जो अच्छे चीज़ें होते हैं दोस्तों वो निकाल के सिटी एरिया में बेची जाती हैं, जो हल्के से दाग होते हैं या थोड़ा सा उनमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम मुझे वो तो जैसे कि होता नहीं कि दब गया या कुछ हो गया, तो वैसे चीज़ें दोस्तों यहाँ पे जाके बेची जाती हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है। फिलहाल दोस्तों अभी हम ऐसे धरावी का मार्केट घूमते घूमते अभी वो लेदर मार्केट में पहुंच चुके थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि धरावी का लेदर मार्केट भी दोस्तों काफ़ी मशहूर है, तो फिलहाल दोस्तों हम अभी किसी दुकान में नहीं जाएंगे, बस दिख गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इधर ही है पूरा, ये साइन की तरफ दोस्तों पड़ता है ये धरावी का पूरा मार्केट। तो अभी मैं इस तरह से दोस्तों चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था तो ये सारी चीज़ें दिखी, तो मैं क्या आपको भी दिखाई देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी फेमस मार्केट है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे संतरे वगैरह भी बिकते हैं, ये 10 रुपये का है, ये 50 रुपये किलो है, और इस तरह से भैया हमारे बेच रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुनील सोनी। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। तो ये भी यूपी से ही हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको चारों तरफ से दुकानें मिल जाती हैं जो यहाँ पे रोड साइड से सामान वगैरह बेचते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी आप हमें देख पा रहे हैं हम अभी हैं 90 फिट रोड, और 90 फीट रोड के आसपास दोस्तों वो झुग्गी बस्तियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बसी हुई हैं, मैं जो अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ के गलियों के अंदर, और वहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारी आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, दुकानें मतलब खाने पीने की, होटल्स, ग्रॉसरी शॉप्स दोस्तों लोग अंदर गलियों में भी कर रखे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। अगर हो सकता है चीज़ें अगर दिखती है दोस्तों तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी हम फाइनली दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और कितना महंगा है कोशिश करते हैं वो भी समझ सकें। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम घूमते घूमते धरावी के सेंटर पे एक इस तरह के ब्रिज पे आ चुके हैं, जैसा कि दोस्तों ये अभी आप ब्रिज देख रहे हैं, इधर पूरा
रेलवे का ब्रिज है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक बात से भी अनुमान लगा सकते हैं जगह की कितनी कमी होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से लोग इस ब्रिज पे भी दोस्तों कपड़ा वगैरह सुखा रहे हैं। ये देख सकते हैं जगह का दोस्तों इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पे जो गेहूँ वगैरह है वो भी इसी पे सुखा रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों कुछ धरावी के हाल हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना कंजेस्टेड है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं ब्रिज के नीचे और एक बार बस मैं इसलिए इस पे ऊपर आया कि एक बार ऊपर से चीज़ों को मैं देख सकूं कि यहाँ से जो झोपड़ पट्टियाँ दिखते हैं ऊपर से कैसे दिखते हैं। फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अभी गलियों के अंदर और अंदर घूमते हुए देखते हैं कुछ चीज़ों को। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों धरावी की कुछ गलियाँ वगैरह भी हैं। फिलहाल दोस्तों मैं अभी वो सारी चीज़ें खोज रहा था तो मैं अभी इधर आ गया। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी ये सीधा गली पकड़ के निकल जाऊँगा आगे की तरफ रोड पे 90 फीट रोड की तरफ और वहाँ पे भी दोस्तों हम घूमेंगे थोड़ा आसपास के फूड स्टॉल वगैरह को। तो ये पूरा दोस्तों यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं इतनी कंजेस्टेड है और छोटे छोटे घरों में दोस्तों काफ़ी भाई बहुत बहुत दिक्कत से लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने यहाँ का अनुभव भी लिया है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर रह भी चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कुछ यहाँ का सिस्टम है, माहौल है। तो फिलहाल दोस्तों धारावी का जो मार्केट वगैरह है वो काफ़ी बेटर कंडीशन में है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे गलियों में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं नाले वगैरह के आसपास में जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी सस्ती भी मिलती हैं दोस्तों। कंपेयर अगर हम करें कि किसी अदर प्लेस तो यहाँ पे चीज़ें दोस्तों मुझे वाकई काफ़ी सस्ती लगी हैं। हो सकता है दोस्तों अभी हम चलते हैं कहीं पर कुछ खाते पीते हैं और उनसे हम बातें भी करते हैं। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ जगह बिरयानी वगैरह खाने के गया था, 30 रुपये हम दोस्तों हाफ प्लेट बिरयानी यहाँ पर दे रहे थे। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी सस्ता है मेरे हिसाब से, मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ पे पॉपुलेशन दोस्तों ज़्यादा है, धंधा बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ की मार्केट वगैरह काफ़ी अच्छे। यहाँ पे लगभग दोस्तों अगर पूरे दुनिया के स्लम्स की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन के मामले में तो खैर नंबर वन तो है ही है, लेबर मैन पावर है वो तो है ही है यहाँ पर, उसकी बात अलग है दोस्तों। यहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर दोस्तों लेबर मैन पावर है। एक रूम का यहाँ पे भाड़ा वगैरह भी दोस्तों 2500-3000 के आसपास रहता है और एक एक रूम में दोस्तों 10-10 लोग, 12-12 लोग, 5-5 लोग, 6-6 लोग घुसे रहते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अनुभव किया है। बाकी इस तरह से दोस्तों यहाँ का मार्केट वगैरह आप देख रहे हैं। अभी मैं धरावी में ही घूम रहा हूँ, अभी गलियों को भी मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने काफ़ी कुछ देखा। इस तरह से सब्जियों का मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है और चीज़ें अक्सर यहाँ पर सस्ती मिलती हैं दोस्तों। उसका जो सबसे बड़ा वजह ये है कि यहाँ पर जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं या जो भी कोई अदर टाइप जैसे प्याज वगैरह होता है, एक लेयर वगैरह दोस्तों उसकी सड़ जाती है तो उसको निकाल के बीज का लेयर जो होता है उसको अच्छा करके यहाँ पे बेच देते हैं सस्ते दामों में। मजदूर जो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो इस वजह से वो चीज़ें ख़राब तो होती नहीं है जो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ का कुछ माहौल है। बाकी अभी मैं पूरा ये मार्केट वगैरह घूम ही रहा था तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अभी किसी गली वगैरह में। और यहाँ छोटी छोटी गलियों में दोस्तों आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, अमूमन हर जगह मिल जाता है। यहाँ तक दोस्तों उस नाले के किनारे भी जहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती रहती है लोग वहाँ पे बैठ के खाते पीते भी हैं, खैर कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी भी होती है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी इस गली में से होके जा रहा था तो मुझे यहाँ पर खाने का एक इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों स्टॉल मिला, इस तरह से ये भैया बेचते हैं। तो भैया इसका क्या खाने का सिस्टम क्या रहता है एक बार बताएंगे क्या? मछली अंडा चिकन, ठीक है। हाँ, हफ्ते में 3 टाइम चिकन। हाँ, बाकी दिन मछली अंडा। बाकी दिन मछली अंडा। और हफ्ते का चार्ज क्या होता है आपका? हफ्ते में 3 बार चिकन। 3 बार चिकन। और पैसा कितना देना होता है? 500 रुपये। 500 रुपये हफ्ते का। और खाने का टाइमिंग क्या होता है? सुबह शाम? सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों टाइम 500 रुपये में। और ये ऐसा खाना है? अंडा। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के खाने होते हैं सुबह शाम 500 रुपये में, ये दोनों टाइम देते हैं एक हफ्ते का। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेटर है। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों खाना लोग डिलीवर भी करते हैं लोगों के घर पे कि 500 रुपये, 600 रुपये, जो जिनका जो भी सिस्टम होता होगा जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ जगह जगह पर छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं जो कि खानों की डिलीवरी करते हैं उस तरह से। दोस्तों वो बंदा अभी मुझे बता रहा था कि 500 रुपये में 2-3 टाइम देता है और अभी फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ की गलियों में घूम रहा था। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं धरावी में घूमते हुए कुछ खाने वाली दुकान पे गया और वहाँ पे खाना वगैरह का रेट पूछ रहा था तो उनसे मैं पूछा कि आप लोग इतना सस्ता कैसे बेच लेते हैं। उसकी जो बात थी ना दोस्तों
वो मैं सुन के थोड़ा सा हिल गया, बोला भाई यहाँ, बोला दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर गरीब ही खाने आते हैं तो इस वजह से हम सस्ता बेचते हैं। ये मार्केट में दोस्तों अभी मैं घूमते हुए जा रहा था तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये पीछे हमारे नाला है, इधर नाला इस तरह से दोस्तों यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं देख सकते हैं चारों तरफ कहता हूँ, सामने देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से सब्जियाँ बेची जा रही हैं, यहाँ पे जो सब्जी बेच रहे हैं वहाँ पे कपड़ा बेच रहे हैं, उधर भी दोस्तों साइड साइड में काफ़ी दुकानें हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों वाकई अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ दोस्तों वाकई बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, लेकिन दोस्तों धारावी की कुछ ज़िंदगी ही ऐसी है कि मजबूरी भी है। लेकिन अभी दोस्तों कुछ यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है दोस्तों, अभी एक अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ने शायद कुछ यहाँ पे काम करने का दोस्तों लिया है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, हो सकता है देखते हैं दोस्तों धारावी कितनी सुधरती है आने वाले टाइम पर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी सुधार यहां पे आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहां के हालात दोस्तों वाकई बहुत बुरे हैं। हाँ ठीक है लोग पैसे वगैरह कमा रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों यहां पे इतने गरीब भी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कब तक सुधार होता है। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। और हाँ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में।